नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के कल बहुत ही बेहतरीन और सुरीले गायक और अपने गानों से भोजपुरी दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले नीलकमल सिंह का जन्मदिन था। तो इस जन्मदिन के मौके पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जन्मदिन के मौके पर मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया। तो पार्टी जो है उनका गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट में जो है उनका बार, बियर बार कह सकते हैं उसको, वहाँ पे जो है पार्टी समारोह आयोजित किया गया था और वहाँ पर जो है मुझे भी इनवाइट किया गया तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर से नीलकमल भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़, काफ़ी ज़्यादा मतलब म्यूज़िक बज रहा था तो बहुत ज़्यादा फुटेज में नहीं ले पाया, लेकिन मैं कुछ अब जो फुटेज जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ। और नीलकमल भाई के जन्मदिन के मौके पर तमाम लोग भी पहुँचे हुए थे तो हम लोग भी तमाम लोगों से मुलाकात की, हालांकि इंटरव्यू नहीं ले पाए, कहीं बहुत ज़्यादा शोर था। तो नीलकमल भाई से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और नीलकमल भाई जो है काफ़ी खूबसूरत इंसान है और फिर गायकी का तो क्या ही कहना है। तो नीलकमल भाई से मुलाकात हुई, इसके बाद आपको पता होगा कि नम्रता मल्ला खेसारी लाल से लेकर पवन सिंह से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के साथ वो गाने कर चुके हैं। तो नम्रता मल्ला जैसे पहले फर्स्ट टाइम जैसे आई मेट, हमने काफ़ी कुछ बातें किया उनको, उनसे जुड़ा हुआ, तो नम्रता मल्ला जी भी वहाँ पर मौजूद थी तो काफ़ी मतलब मज़ा आ गया। इसके अलावा शिल्पी राज को कौन नहीं जानता है, शिल्पी राज जी भी वहाँ पर थी तो उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी बहुत कुछ बातें हुई। इसके अलावा विजय चौहान भी भोजपुरी इंडस्ट्री के आजकल एक बहुत अच्छे गायक हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं, तो उनसे भी जो है वो मुलाकात हुई। तो तमाम लोग जो है हम लोग ग्रुप में तस्वीर भी लिए, ग्रुप में साथ में बैठकर खाए भी, जिसमें नीलकमल सिंह, विजय चौहान, शिल्पी राज और भी तमाम लोग थे। इसके अलावा शिल्पी राज थी, नम्रता मल्ला थी, मैं था और फिर रंजीत, जो पटना से दवैया चलता है गाना जो है, ये भी गाना सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल था, तो रंजीत भाई से भी मुलाकात हुई, उनसे भी थोड़ी बहुत बातें हुई। तो ये तमाम लोग जो थे जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं पर्सनली मिला और तमाम बातें किया, हालांकि इंटरव्यू फिर से नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी नीलकमल भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही गाते रहें और पूरा भोजपुरी दर्शकों को झुमाते रहें, काफ़ी अच्छा लगा और तमाम लोगों से मिलकर काफ़ी मतलब मज़ा भी आया। तो कुछ तस्वीरें थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि इस बर्थडे सेलिब्रेशन में हम भी गए हुए थे, बुलाया गया था तो काफ़ी मजा आया। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, चलिए धन्यवाद।